Hello everyone. In today's class, we will cover active and passive voice. So first of all, we need to understand what is voice. What is a voice? Okay. As you can see the heading here, it is written active and passive voice. So first of all, we need to understand what is the meaning of voice. Okay. If we talk about voice, then voice is something that is present in the sentence. जो हमें ये बताती है कि जो action है, जो भी action हुआ है, जो subject है, उसने वो action perform किया है या वो action received किया है, ठीक है? अब ये बात कैसे होती है? ये बात अभी आपको clear हो जाएगी। पहले हम ये समझते हैं कि जो आपके transitive verbs होती हैं, जिनके साथ में object आपके present होते हैं, है ना? तो these are divided into two types. First of all, जो आपके transitive verbs हैं, they are further divided into two parts, that is active and passive. ओके अब आप कहोगे मैम एक्टिव और पैसिव कैसे होता है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और आप ये पता लगा लें कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया है या सब्जेक्ट को एक्शन रिसीव हुआ है वहीं पर ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपका एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस रहेगा ठीक है अब इसको ये समझते हैं यहाँ से ये कैसे है तो एक्टिव इज रिटन इफ अ सब्जेक्ट इज अ डूअर हियर डूअर मीन्स means the subject is performing certain action like subject is eating or something else huh and then what is a passive is that form of the verb jisme aapka jo subject hai wo receiver ki tarah se work kare theek hai ab aage main aapko example ke through isko aur clear karungi but first of all hame introduction pura karna hai isko bahut zaruri hai theek hai now moving on to the basic rules which covers in active and passive voice first of all is नंबर वन पॉइंट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो उसमें तीन चीजें कॉमन होती हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट ठीक है इसी के बेसिस पे इसी की प्रेजेंट और एब्सेंट होने की वजह से आपके सेंटेंसेस जो है वो डिवाइडेड हो जाते हैं फर्दर कैटेगरीज में ठीक है बट इन दिस सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्जेक्ट व्हाट इज द वर्ब व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज दैट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट सेकेंड मेथड सेकेंड पॉइंट जो हम इसमें यूज मैंशन करेंगे और अपने माइंड में रखेंगे वो है हमारा चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट हमें क्या करनी होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंटरचेंजिंग करनी होती है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं ये क्या है ये रूल्स ही हैं ओके नंबर थर्ड पॉइंट इज चेंज द वर्ब इन टू इट्स पार्टिसिपल फॉर्म ऑलमोस्ट सारी ही वर्ब्स जितने भी हैं आपकी अगर वो किसी भी फॉर्म में है तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म में चेंज हो जाएंगी जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है जैसे सपोज एस आई एन जी सिंह लिखा हुआ है तो वो उसमें क्या हो जाएगा सम एस यू एन जी बीट का हो जाएगा बीटन तो राइट का हो जाएगा रिटन तो इसी तरह से डिफरेंट वर्ब्स जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं उनका यूजेज इसमें आएगा नेक्स्ट पॉइंट टू बी कवर्ड इज एट द प्रीपोजिशन बाय दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि इसके बिना आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं हो सकता जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो हम ऑलवेज बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं ओके क्लास नाउ एंड द लास्ट पॉइंट इज बिफोर कंप्लीटिंग द सेंटेंस हम जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंटरचेंजिंग हो जाती है आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं सिमिलरली लास्ट पॉइंट में आपका सब्जेक्ट जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट कवर होता हुआ नजर आता है ठीक है If we talk about an example, let us take Sameer wrote a letter. This is a simple sentence, okay? If I want to see you, then अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि यहाँ पे Sameer क्या है? Sameer is a subject, okay? And this is a verb. तो आप बताओगे yes ma'am, definitely this is a subject okay then this is a verb and this is a object so Sameer wrote a letter Sameer ne kya kiya Sameer ne letter likha so he is a doer yahan pe kya hua ye doer ki tarah se work kar raha hai means he is performing certain action ye kya hai doer ki tarah se work kar raha hai Sameer wrote a letter Sameer ne letter likha tha okay kya likha tha letter likha tha तो लेटर क्या हो गया आपका एज अ ऑब्जेक्ट इतनी बात क्लियर हो गई है आगे देखते हैं अब ये हो गई आपकी वर्ब ठीक है इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस दिस इज इन एक्टिव सेंस ये कैसे है आपका एक्टिव है इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इन द पैसिव वॉइस देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट व्हाट इज द वर्ब एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फर्स्ट
दिस इज सब्जेक्ट, इट मीन्स इन दोनों की क्या हो जा रही है, इंटरचेंजिंग हो जाएगी. कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो समीर एंड लेटर विल बी इंटरचेंज. थर्ड, चेंज द वर्ब इन टू इट्स पार्टिसिपल फॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. तो यहां पर हम क्या कर देंगे इसका, रिटन. दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द राइट. गॉट इट एवरीवन, ठीक है ना. तो दिस इज अ रिटन. एंड अब हमें क्या करना है, वेरी क्रूशियल पॉइंट, वी नीड टू ऐड बाय, ठीक है. अब हमें क्या करना है, अपनी सारा मटेरियल जो हमने यहाँ से गेन किया है, अभी हम इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में लगा देंगे. क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो लिखते हैं क्या होगा इसका फाइनल आंसर, अ लेटर, ओके, अ लेटर, फाइन. यहाँ पर आपका समीर आ जाएगा, बाय भी आएगा, तो आप क्या इसमें ऐड कर लेंगे, अ लेटर. तो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये सेकंड फॉर्म थी आपकी. अब मैं आपको जो उसके रूल्स बताऊंगी उसके अकॉर्डिंगली, अगर आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, मींस अगर वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो हमें वहां पर क्या यूज करना होता है, वी ऑलवेज यूज वॉज एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, है ना, एंड देन वी यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म. कैसे याद करेंगे, तो सी लेटर, तो समीर ने एक ही लेटर लिखा है, लेटर इज अ सिंगुलर. So with singular subject or with singular object, we always use was. Okay? अभी मैंने आपको बोला राइट, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में है, इसकी थर्ड फॉर्म चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रिटन. गॉट इट, देन वी यूज बाय, बाय बाय, और सब्जेक्ट का नेम समीर. देख पा रहे हो आप यहाँ पे आराम से क्या किया, समीर सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट, ओके, एंड ऑब्जेक्ट जो आपका पहले था उसको कन्वर्ट किया एज अ सब्जेक्ट. देन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया एंड वी एड अ प्रीपोजिशन बाय. आई थिंक एवरीवन गॉट इट, समझ आ गया है सभी को, ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सर्टेन रूल्स अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. यस, तो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा मैंने यहाँ पे रूल्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है. इट इज़ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ओके. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें इसमें चेंजेस, ठीक है, हमने रूल्स देख लिए हैं, बट अब इसको करना कैसे है, ठीक है. अब देखो सिंपल पास्ट जो आपका सेंटेंस था उसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियरली अभी दिया था, जो मैंने आपको एक वो बताया है, अभी सेंटेंस बताया था, समीर रोट अ लेटर, इन दैट सेंटेंस वी यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने उसे वॉज और वर्ब में चेंज करके उसकी वर्ब की पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करके उसको चेंज कर दिया था. नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इज सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो वी ऑलवेज यूज एस और ईएस इन द मेन वर्ब, ठीक है. जब हम इसको यूज करते हैं तो अब हमारा अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में है, और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट को कवर कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको इज एंड आर के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करके उसमें थर्ड फॉर्म ऐड करने के बाद और बाय का उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है. कैसे कर सकते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कवर कर सकते हैं, लेट अस से She helps the poor. She helps the poor. So who is the doer of the action? Doer of the action is she. That is the girl. ठीक है ना? तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको change करने के लिए हमें सबसे पहले ये focus करना होगा कि ये she है क्या? तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा. She helps the poor. So, she is the doer here and poor are the receiver of the action. She helps the poor. तो अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि yes, the rule is false.
अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंजिंग करेंगे द पुअर और शी की, बाय भी ऐड होगा है ना, और साथ में हमने क्या लगाना होगा इसमें, इज एम आर भी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे इसको चेंज करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द पुअर प्लूरल सेंस, देन वी यूज आर आर एंड हेल्प, हेल्प विल बी चेंज इनटू हेल्प, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पुअर आर हेल्प्ड बाय हर। अब मैंने हर क्यों किया, बिकॉज द सब्जेक्ट दैट इज जो यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज अ प्रोनाउन, ओके ना, शी यूज हो रहा है तो शी के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम क्या करते हैं, शी को हर में चेंज करते हैं, ही को हिम में, ठीक है ना, आई को मी में। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, आप इसको प्लीज ध्यान रखें, आई को हम चेंज करते हैं वी में, देन वी को चेंज करते हैं हम अस में, एंड ही का ऑलवेज हिम होगा, शी का ऑलवेज हर होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब देयर आर सर्टेन रूल्स जो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस में दे आता है देन वी यूज देम, ओके, एंड अगर किसी सेंटेंस में यू आता है तो देयर इज नो नीड टू चेंज, यू को आप एज इट इज रखेंगे, ओके। देन अगर इट आता है सेम इज फॉलो इट, गॉट इट एवरीवन। नाउ सेकंड फॉर्म, ये हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लिया, इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। तो अब जैसे आपका सिंपल फ्यूचर है तो ऑलवेज यहाँ पर आपका विल और शैल होगा, तो आपको समझना है कि पहले आपको सेंटेंस किस सेंस में दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपका विल और शैल भी होगा तो आप उसको विल बी और शैल बी के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, ओके। नाउ जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, वी विल टेक लंच नाउ, वी विल टेक लंच नाउ, तो लंच यहाँ पर क्या हो गया, रिसीवर हो गया, एंड दिस इज द डूअर, चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, लंच विल बी टेकन, लंच विल बी टेकन, क्या कर देंगे आप, टेकन विल बी टेकन बाय अस नाउ, ठीक है ना। वी को क्या करा हमने, चेंज करके अस, और बाय भी हमने नॉर्मल प्रीपोजिशन ऐड किया है बाय अस नाउ, इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब मैंने इधर से अपना पूरा कंप्लीट एफर्ट्स किए हैं यहाँ से, एंड होप आपको समझ में आएंगे सारे सारे, एंड आपको सेंटेंसेस रीड करने हैं इसकी पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर फॉर्म होगी यहाँ से मैं आपके साथ अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एंड वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, जिससे आपका जो फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है, जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इस तरह के टेंसेस जो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं अपार्ट फ्रॉम द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन देयर विल बी नो चेंज इन द पैसिव वॉइस। तो ये पॉइंट आप ऑलवेज रिमेंबर अपने माइंड में रखिएगा इस चीज को, और अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर इन रूल्स को अप्लाई करिए, एंड देन ट्राई टू डू द एक्सरसाइज वर्क।